जनपद अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया, जिसके चलते जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने शनिवार को सामान्य बैठक के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। आयोजित समारोह में जिला पंचायत सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और विदाई समारोह में जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर उनके कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार से मिले बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाले बजट का आधा हिस्सा स्वच्छता पर खर्च हो जाता है, जिससे अन्य विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाती थी। उमा बिष्ट ने स्वच्छता के लिए अलग से बजट की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि स्वच्छता के लिए अलग बजट निर्धारित किया जाए तो पंचायत का मुख्य बजट अन्य विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जिला पंचायत की जो समस्याएं मुझे आई हैं, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगी कि हमें जो है 2 साल से हमें इकट्ठी योजना बनाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे काम है जो छूट जा रहे हैं, क्योंकि इकट्ठी जब योजनाएं बनती हैं तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा योजनाएं आ जाती हैं और बजट कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे काम हैं, मेरा अपना मानना है कि कुछ से मतलब काम छूट जाता है, तो या तो ये है कि 3 महीने उसको कर दिया जाए पूर्ण की तरह, कोई 3 महीने इस तरह 3 महीने काम हो जाए, कोई आपदा आया कहीं कुछ हुआ तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता। और दूसरी बात जो है कि जो हमारा पैसा आता भी था 15 लाख का, वो हमको आधा पैसा स्वच्छता में खर्चने के लिए दिया गया, जिसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी योजनाएं थी मैं वो कम करनी पड़ी 15 लाख से। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से, मेरा अपना अनुरोध है कि सरकार स्वच्छता के नाम पे जो पैसा दे रही है, हमें खर्चना पड़ रहा है, वो अलग से हमें दे।